हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी. करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में आज हम 28 दिसंबर 2018 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा. आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ लोग को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, उसके लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा. जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा. और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, उन्हें आपको नोट करते चलना है. अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं अनिल कुंबले, रिकी पॉन्टिंग, जैक कॉलिस, ग्लेन मैकग्राथ. इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, रिकी पॉन्टिंग. रिकी पॉन्टिंग को हाल ही में डबलिन में आयोजित ICC के वार्षिक सम्मेलन के दौरान ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. पॉन्टिंग 3 बार के ICC क्रिकेट विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य रह चुके हैं, जिसमें 2 बार वह कप्तान भी थे. और औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वह 25वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं. अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन. ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हाल ही में RBI ने किसे ECF समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विमल जालान, YV रेड्डी, रघुराम जी राजन, उर्जित पटेल. सबसे पहले आपको ECF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. अब इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विमल जालान को. RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान को केंद्रीय बैंक के साथ अतिरिक्त भंडार के मुद्रा के समाधान के लिए गठित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. और भी इसके सदस्य हैं, उनके नाम जान लीजिए. अन्य सदस्यों में भारत दोषी, सुधीर माकड़, सुभाष चंद्र गर्ग और NS विश्वनाथन शामिल हैं. समिति का जो कार्य है उसे जानिए. समिति यह तय करेगी कि RBI अधिशेष या आवश्यक स्तरों के घाटे में प्रावधान, भंडार और बफर स्टॉक कर रहा है या नहीं, यह निश्चित करेगा. यह पहली बैठक के 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. अब यहाँ पर RBI की बात आई है तो आप इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए. RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी. इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं और हाल ही में नियुक्त हुए थे. इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, चारों के आप नाम जानिए. सबसे पहले हैं MK जैन, दूसरे हैं BP कानूनगो, तीसरे हैं विरल आचार्य और चौथे हैं NS विश्वनाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हाल ही में किसे भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं SR सिंह, विजेंद्र सिंह, शिव थापा, CA कुटुप्पा. इसके राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, CA कुटुप्पा. CA कुटुप्पा को भारतीय मुक्केबाजी की जो मुख्य टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं. राष्ट्रीय कैंप में भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और किसके स्थान पर? SR सिंह के स्थान पर. अब यहाँ पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानिए. इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे FG बेकर, मेजर FG बेकर. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह. ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा.
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं? ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोवाय छेरिंग भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आए हुए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना में स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हो रही है। अब यहाँ पर भूटान की बात आई तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की करेंसी है गुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ऑप्शंस हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुनो वन्य जीव अभयारण्य, गिर वन्य जीव अभयारण्य, चंबल वन्य जीव अभयारण्य। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, कुनो वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। अब जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको जान लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्नागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश में हैं। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो करेरा वन्य जीव अभयारण्य, पंचमरी वन्य जीव अभयारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में है और ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आई तो उसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानिए। मध्य प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं कमलनाथ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविजिंग महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम। इसका राइट आंसर है असम। डिविजिंग महोत्सव की शुरुआत असम में हुई है, फोर्थ ऑप्शन। असम के चिरांग जिले में ए नदी के तट पर तीसरा महोत्सव शुरू हुआ है यह। इसमें लगभग 15 लाख पर्यटक भाग लेंगे। 15-12 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में साहसिक खेल, फूड मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। महोत्सव में थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश से भी प्रतिभागी पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पर असम की बात आई है तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से असम 17वां सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तानसेन पुरस्कार 2018 इस वर्ष किसे दिया गया है, यानी कि किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं मंजू मेहता, प्रीति कुमारी, कुमार सानू, सोनू निगम। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मंजू मेहता। वर्ष 2018 का तानसेन पुरस्कार मंजू मेहता को दिया गया है। यह प्रसिद्ध सितार वादक हैं और इनको संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तानसेन संगीत समारोह के उद्घाटन समारोह में 74 वर्षीय मेहरा को यह पुरस्कार प्रदान किया है। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय ने द डिबेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं सुनील मेहता, आदि साई विजयकरण, सुदीप आचार्य, अमन वर्मा। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, आदि साई विजयकरण। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में आयोजित वर्ल्ड स्कॉलर कप में जूनियर साई विजयकरण ने जूनियर डिबेटर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बार की इसकी थीम थी एन इंटेंजल्ड वर्ल्ड डिप्लोमेसी ह्यूमन रिलेशनशिप्स द साइंस ऑफ मेमोरी एंड लिटरेचर आर्ट। ये इसकी इस बार की थीम थी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एन इंटेंजल्ड
वर्ल्ड डिप्लोमेसी ह्यूमन रिलेशनशिप्स द साइंस ऑफ मेमोरी एंड लिटरेचर आर्ट, ये इसकी थीम थी और यह पहली बार हुआ है कि यह खिताब किसी भारतीय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रोफेसर हमीदी कश्मीरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं राजनीति, खेल, साहित्य, पत्रकार। वह साहित्य से संबंधित थे, अर्थात वह साहित्यकार थे और यह कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आकांक्षी जिला की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के लिए दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की है जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 1 जून 2018 से 30 अक्टूबर 2018 के बीच उनके द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को मापती है, यानी ये उसका आधार है। अब यहाँ पर नीति आयोग की बात आई है तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए। सबसे पहले आप नीति आयोग का फुल फॉर्म जानिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 28 दिसंबर के। आप इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।